आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। हे बाशान की गायो, यह वचन सुनो। तुम जो सामरिया पर्वत पर हो और कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो कि ला दे हम पिए, परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है कि देखो, तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कटियाओं से और तुम्हारे संतान मछली की बंसियों से खींच लिए जाएंगे और तुम बड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। बेतल में आकर अपराध करो, गिलगाद में आकर बहुत से अपराध करो और अपने चढ़ावे भोर भोर को और अपने दशमांश तीसरे दिन में बराबर ले आया करो और धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलि की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों, ऐसा करना तुमको भावता है। परमेश्वर यहोवा की वही वाणी है। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। और जब कटनी के तीन महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की, वहां मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया, वहां एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया, इसलिए दो तीन नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको लोहू और गेरुए से मारा है और जब तुम्हारी बाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जलपाई के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई और मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था और तुम आग से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा और मैं जो तुझ में यह काम करने पर हूं, सो हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला जो है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है।